हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से पूछा था क्लास 10 में जिनके भी कंपार्टमेंट आए मैथ्स में, तो वो आप सभी कौन सा चैप्टर जो वो पढ़ना चाहोगे, कौन सा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा था। फ्रेंड्स, आप सभी ने बताया वहाँ पर वोट किया था ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हो 10 से 12 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप इसका बेसिक समझ लेते हो, फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं रखा। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। अब स्टार्ट करते वीडियो को, बिकॉज टाइम आपके पास है नहीं और हमें यहाँ पे आपके टाइम को वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें आपके हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का बात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको एमसीक्यू, एक से दो एमसीक्यू आपका ये बना देगा। अगर आपको ये पता है तो इससे आपके एक से दो एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे बनेगा। जब आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, ये बच्चों को समझ नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। अगर कोई भी एंगल का बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पहले हम एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए के सामने में जो साइड रहेगा आप उसी को यहाँ पे परपेंडिकुलर मानोगे, ठीक है। जो साइड आपका एंगल के अपोजिट में रहेगा उसी को आप परपेंडिकुलर मानोगे, ठीक है। और उसी एंगल से फ्रेंड, इसी एंगल से, एंगल ए से जो आपका साइड एडजेसेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। और ये बचा आपका एसी साइड, ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है, ओके, समझ आ गया। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं एंगल सी से, तो एंगल सी के सामने फ्रेंड आपका एंगल यहाँ पे साइड ए बी आ जाता है। साइड ए बी क्या आपका बेस रहेगा, नहीं। ये एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज आपका परपेंडिकुलर होता है। यहीं पे मिस्टेक करते हैं और यहीं पे आपके मार्क्स कटते हैं। एंगल सी बना दिया और पूछा, मतलब आपके सामने क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बना के दे देता है और आपसे एंगल सी के वैल्यू में पूछता है कि एंगल सी में यहाँ पे बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा ये 90 डिग्री इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, नहीं नहीं। अगर एंगल आपसे सी पूछ रहा है तो एंगल सी के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ना कि ये, समझ आया। तो इतना क्लियर हो फ्रेंड, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको समझ आ गया कि जो एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसके एडजेसेंट जो साइड होगा एंगल का वो आपका बेस होगा और जो अदर साइड बचेगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपको ये फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, अब आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, इसको तो हम याद कर लेना है। अब आप पूछोगे दीदी इसको याद करें, इसको याद कैसे करें, यही तो प्रॉब्लम है, किसे भूल जाते हैं, भूलना नहीं हमें, क्या हम ऐसा करें। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक छोटा सा ट्रिक है, इसको समझ लो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। बट ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1/sin थीटा, या फिर बोल दो आप कि 1/cosec क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सीक्वेंस याद रखो, क्या सीक्वेंस क्या होगा आपका, साइन आता है, उसके बाद कॉस आता है और उसके बाद टेन आता है। ये सीक्वेंस पहले आप अपने दिमाग में बैठा लो कि पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस बैठा लिया आपने, अब आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है इस फॉर्मूलाज को याद करने का, इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ध्यान समझना फ्रेंड्स, एक आपके हैं पंडित जी जो जिनका नाम है बद्री प्रसाद। अब वो जो है भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और वो हर बार हर वक्त वो हर हर भोले बोलते रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैंने बताया, एक पंडित है पी से, उनका नाम बद्री प्रसाद है, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, हर हर बोले बोल सकते हो या फिर बोले बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले ही बोलते हैं, बहुत बोले ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। मैंने भी स्कूल में भी हमारे टीचर ने हमें सिखाया, ठीक है, तो बहुत टाइम से ये आगे बस कंटिन्यू होते जा रहा है, कौन इसको खोज के निकाला है, ये रहस्य है, ठीक है। बट ये मैं आपको अब आगे आप तक पहुंचा रही हूँ, आप आगे किसी और को बताओगे, बट ये ट्रिक आप सीख लो, ठीक है, ये ट्रिक सीख लो, उसके बाद आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। जब आप इसको लाइन में बैठा दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को लाइन में बैठा दिए, अब मैंने क्या आपको बोला था, सीक्वेंस याद रखने के लिए, सीक्वेंस मैंने क्या बोला कि पहले आता है साइन, पहले क्या आता है साइन, फिर सीक्वेंस में क्या आता है, फिर आता है कॉस, फिर दोनों के बाद क्या आएगा, साइन और कॉस के बाद क्या आता है, फिर आता है टेन, समझ आ गया। तो साइन कॉस टेन, समझ आ गया। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो आप, परपेंडिकुलर बाई बेस, समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। और ये चीज आप याद रख लेना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे लिखोगे कॉपी पे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये तीन फॉर्मूला रट लो, ठीक है, तीन चार बार कॉपी में लिख लो, ये तीन फॉर्मूला आपके ट्रिगो के फ्रेंड बेसिक है, इसी से और फॉर्मूला क्रिएट होते हैं और फॉर्मूला बनते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, समझ लो आगे आपके ट्रिगो को कोई फॉर्मूला याद नहीं होने वाला, बहुत इजी फॉर्मूला, और फॉर्मूला में कुछ रखा भी नहीं है। देखो टैन बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस, दो नंबर तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में इससे मिल जाएंगे अगर आपको ये पता है,
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दो नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे इससे, अगर आपको ये चीज पता है। ठीक है, जस्ट टेन का उल्टा क्या होता है, वन अपॉइंट कॉट होता है, तो बस इसको उल्टा कर देंगे, कॉस अपॉइंट साइन कर देंगे। ठीक है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। वन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो टेन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, वन अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू में वन आएगा ना, वही तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टेन इंटू कॉट क्या होगा, वन होगा। अब यहाँ पे आगे देखो, तो अब हम करते हैं 8.1 का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, जितना अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा अभी तक, अब उस पर एक क्वेश्चन करेंगे तब तो समझ आएगा ना कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं, क्या बोलते हो? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको याद है कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। साइन ए आपका दिया हुआ है तो आपको कॉस ए एंड टेन ए बताना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ये बताइए कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, जो कि आपका दिया हुआ है 3/4, दैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है एंड हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है। तो अब हमें सिर्फ किस चीज का जरूरत है, कॉस निकालने के लिए, बेस का। तो बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आपका पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज कीजिए एंड वहां से बेस निकालिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, एच में से पी है, इधर माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच आपका कितना है, एच आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस पी कितना है, पी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, बी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट इधर लग जाएगा, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, तो बेस आपका कितना आ गया, रूट 7 आ गया। ठीक है, हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, अब क्या, अब कॉस टेन कॉस एक कुछ भी पूछे हमें सब पता है, अब हम सब इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा अभी निकाले हम लोगों ने, रूट 7 आया, रूट 7 रख दिए, हाइपोटेनस हमारा 4 था, 4 हो गया, तो कॉस ए हमारा क्या आ गया, रूट 7 बाई 4। ठीक है, अब बात करते हैं टेन का, तो टेन क्या होता है हमारा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, गिवन है 3 है एंड बेस हम लोगों ने अभी निकाला रूट 7, तो टेन हमारा क्या हो गया, 3 अपॉन रूट 7, तो कॉस 10 हमारा इजिली यहाँ पे निकल गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूला से बन सकते हैं एंड आगे अगर आपको ये फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो क्वेश्चन बनाते बनाते ये जो सारे फॉर्मूलाज है ना आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है एंड ट्रिक जो मैंने आपको बताया उससे तो काम आपका बन ही जाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे बारी आ जाता है सबसे मेहनत का काम का, वो है कि ये दीदी अब ये डिग्री कैसे याद करे, बहुत मेहनत लगता है इसको याद करने में, क्या करे, कुछ उपाय इसका, बहुत ये इजी उपाय है। ठीक है, अगर समझ गए फ्रेंड्स तो समझ लो एग्जाम तक आप इसको क्या कभी आगे नहीं भूलोगे, और ऐसा नहीं है कि आपने 10 में इसको पढ़ लिया तो आगे 11 12 जिंदगी भर ये आपका काम आने वाला है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब का तो आपको मैथ्स पढ़ना होगा, तब उस समय आपके सामने एंगल आएंगे, तब क्या करोगे, तो हर सिचुएशन में ये एंगल आपका काम देगा। अब इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे आप ये ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स कि बस आपको ये साइन है ना, साइन ए या फिर साइन थीटा बोलो, आपको इसकी सारे वैल्यूज याद कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप सिर्फ ये याद कर लेते हो साइन का, आपका काम खत्म, क्या बोल रहे हैं हम, आपका काम खत्म हो गया। तो वो देखते हैं, साइन 0 डिग्री आपका 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। तो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स को, साइन 90 एंड 0 के बीच में। सिंपल आपको याद कैसे रखना है इसको, देखिए साइन का बात हो रहा है ना, 0 बोलेगा तो हम 0 ही बोलेंगे, साइन अगर 0 बोलेगा तो हम भी 0 ही बोलेंगे, इस तरह से आप इसको याद रखिए। ठीक है, अगर साइन 0 डिग्री बोल रहा है तो हम भी बोलेंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा सिंपली, फिर आपको 90 का टेंशन नहीं होगा कि 90 क्या होता है। अगर साइन 0 हो गया देन फिर 90 के लिए एक ऑप्शन बचता है, वो है 1, तो साइन 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए तो देखते हैं इस फॉर्मूला को आप। ठीक है, यहाँ पे हम इस सबको इरेज कर देते हैं, अगर चलिए तो ये सारा कॉस का आपको वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, सो आप कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, ये इधर से इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, अब इसी को आप राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, वो कैसे, लेफ्ट टू राइट 0 1/2 1/√2 √3/2 1 जा रहा है, अब उसको लेफ्ट टू राइट करेंगे क्या होगा, 1 उसके बाद √3/2 उसके बाद 1/√2 उसके बाद आगे चलते हैं 1/2 उसके बाद आगे चलते हैं 0। समझ में आया, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट,
लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये साइन का, एंड अगर आप राइट टू लेफ्ट साइन का ही चलते हैं देन वो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा कॉस का। ठीक है, तो कॉस का भी आपका यही वैल्यू था, कॉस 0 1 होता है, साइन कॉस 30° √3/2, कॉस 45° 1/√2, कॉस 60° 1/2 एंड कॉस 90° 0। ठीक है, तो समझ में आ गया कि साइन एंड कॉस को आप कैसे याद रखेंगे। मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। ठीक है, सो आप साइन आपको पता था, साइन आपने याद कर लिया, कॉस आपने डायरेक्ट यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करके लिख लिया। अब आता है बारी टैन का, सिंपली आपको डिवाइड दे देना है, 0/1 0, 1/√2 √3/2, इसको डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड जब हटेगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, 1/2 इंटू 2/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया हमारा 1/√3। सो डिवाइड दिए तो हमारा क्या आ गया, टेन 30° 1/√3। ठीक है, समझ में आ गया, 1/√3 आ जाता है डिवाइड करके। तो इसी तरह से अगर आप इस दोनों को डिवाइड देते हैं साइन बाई कॉस, तो फिर आपका ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल दिख भी रहा है, 1/√2 कैंसिल होके। ठीक है, फिर इसको जब आप डिवाइड देते हो साइन बाई कॉस, तो फिर आपका ये √3 आ जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, वो आपका इन्फिनिटी होता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, 0/ अगर 1 है तो वो 0 होता है, एंड अगर 1/0 है तो वो आपका इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे टेन 90° क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आया, फर्स्ट सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप एक का याद रख लीजिए साइन का, सारा अपने आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सो आगे टेबल में और किसका दिया हुआ है, कॉसेक का, सिंपल है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ साइन थीटा, अगर साइन यहाँ पे साइन 30° 1/2 है तो कॉस, तो फिर कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/1/1/sin 30° क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो समझ में आया, सिर्फ इसी फॉर्मूला का आपको यूज कर लेना है। कॉसेक सेक क्या होता है, 1/cos, कॉस जो भी रहेगा उसको 1 से आप डिवाइड दीजिए, कॉट क्या होता है, 1/10, 10 का वैल्यू जो भी रहेगा उसको आप 1 से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेबल को पूरा आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, टेबल याद हो गया आपको, अब उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। सो अगर आपको सारे वैल्यूज याद हैं अगर, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है, टैन 45 का पता है, कॉसेक 60 का पता है, सेक 30 का, कॉस 60 का, कॉट 45 का, फिर क्या वैल्यू रखेंगे, ऐड करने बोल रहा है, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको भी सॉल्व करना है। तो देखिए, साइन 30° क्या होता है, 1/2, टैन 45 1, कॉसेक 60° क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2, उसको 1 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा आपका 2/√3, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, सो प्लस था प्लस रहने दिए, माइनस था माइनस रहने दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला का वैल्यू रख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका sec 30, sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 30, cos 30 होता है √3/2, उसको अपोजिट कर देंगे 2/√3। ठीक है, cos 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, cot 45 1 होता है, प्लस प्लस था प्लस प्लस ही कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, इसको ऐड तो करने आता है ना आपको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बस वही कर लेना है आपको, देखिए कैसे ऐड करेंगे। सो 1 यहाँ पे बोर्ड मास यूज करना है, फर्स्ट ऐड कर लेना है आपको, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे क्या जाएगा, 3/2, माइनस 2/√3 था, यहाँ पे सारा चीज ऐड में है, तो यहाँ पे मैं सी एम 2/√3 ले लिए। ठीक है, सो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होकर आपका नीचे ऊपर में से √3 बचेगा, फिर 2√3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 2√3 एलसीएम में जाएगा, 2√3 आपका एलसीएम में चला गया, सुपर मल्टीप्लाई होकर 3√3 माइनस 4 आएगा। ठीक है, एंड नीचे में आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3/2√3, 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल क्या बचता है, 3√3 माइनस 4/3√+4। तो प्लस माइनस है, सिंपल है, रेशनलाइज कर लेना है। अब आपको रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर ऊपर नीचे यहाँ पे प्लस है तो हम ऊपर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे यही होता है रेशनलाइजेशन, अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर प्लस में, ऊपर हम प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको रेशनलाइज करते हैं देन क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दिए, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, तो 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27, तो आपका 27 आ गया। ठीक है,
फिर आपका आता है बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर आता है माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 3√3 इंटू बी कितना है माइनस 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 इंटू 3 24, तो क्या आ जाएगा फाइनल आपका 24√3, ठीक है, तो आपका क्या आ गया 27 प्लस 60 माइनस 24√3 अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी प्लस a माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपको याद है, याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, सारा फॉर्मूलाज का आपको ट्रिगो में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, 27 प्लस 16 कितना होता है, ऐड कर लीजिए इसको 6 7 13 और 2 1 3 4 43 आ गया, ठीक है, एंड माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो 11 आएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या बन के आ गया 43 माइनस 24√3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, सो अगर डिग्री याद है तभी आप इसको बना पाएंगे, एंड अगर आप इसको बनाते हैं फिर आएगा लंबा लंबा कैलकुलेशन, तो इस कैलकुलेशन को करना है आपको बहुत इजीली कैलकुलेट, प्लस और माइनस में नो मिस्टेक, अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो फिर आपका जो पूरा आंसर है वो गलत आएगा, ठीक है, तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। सो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक, तो ये आपका तीनों बेसिक फॉर्मूलाज है, अगर ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है फिर आपको आगे में और कोई भी ट्रिगो फॉर्मूला याद नहीं होने वाला, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, थर्ड फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर, ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अगर आप फॉर्मूलाज को याद रखते हैं फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं उसको देखते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपका आर एस अग्रवाल से लिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका प्रूफ दैट कॉस एक स्क्वायर माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करोगे, हम LHS को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है, सो cos एक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा हम इसको ले लिए, ठीक है, सो cos एक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos एक स्क्वायर थीटा, तो cos एक स्क्वायर थीटा इज इक्वल भी तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन से हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस 1 है माइनस 1 है कैंसिल हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सो cot क्या होता है cot थीटा आपका क्या होता है 1 अपॉन टेन होता है, तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी तो वही रहेगा, स्क्वायर में वही रहेगा, ठीक है, सो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सो टेन से टेन यहाँ पे कैंसिल हो गया इज इक्वल टू में आपका 1 आया, तो LHS इज इक्वल टू आपका RHS आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है प्रूफ, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अब आपको क्या करना है घर पे आपको इसको बहुत ही अच्छे से कॉपी में लिख के सारे फॉर्मूलाज को याद करना है, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसको भी कॉपी पे लिख के खुद से देख के सॉल्व करना है, बट करो, और बाकी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है, तब तक के लिए आप इतना करके रखो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस करना, वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।